लोकसभा के चार और विधानसभा के कुछ सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं, लेकिन कैराना से भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर नहीं आ रही है। इस मामले पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं बीजेपी सांसद डॉक्टर उदित राज। डॉक्टर साहब, ऐसे तो चार लोकसभा की सीटों पर उपचुनाव हो रहा था, लेकिन पूरे देश की निगाहें कैराना सीट पर थी, वहां से भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर नहीं है? देखिए, अभी तो चुनाव मतगणना की काउंटिंग पूरी नहीं हुई है और बाई इलेक्शन है, बाई इलेक्शन कोई इंडिकेटर नहीं है, तो अभी रिजल्ट आने के बाद में ही समीक्षा करी जाएगी, देखा जाएगा क्या कारण है। डॉक्टर साहब, 40,000 से ज्यादा का फासला हो गया बीजेपी वर्सेस ऑल, जो कहा जा रहा था महागठबंधन के उम्मीदवार थे आरएलडी के, तो क्या माना जाए कि बाकी जो महागठबंधन है वो भारी पड़ रहे हैं क्या बीजेपी पर? अभी मैंने कहा ना, इसके समीक्षा करी जाएगी, देखा जाएगा, और दोनों असुरक्षित की स्थिति में है, सपा बसपा और आरएलडी भी, जब भी इन्होंने समझौता करा, फ्रंट बनाया है, काउंटिंग का अंतिम राउंड नहीं आ जाता तब तक मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं।